आप और हम 23-24 मार्च के लॉकडाउन, आसपास जब लॉकडाउन का अगर आप फैसला होने देखेंगे वाला था मृत्यु के मामले में, तब से बात कर रहे हैं शायद, लगातार बीच बीच में आप 2-3 बार आए हैं, तब कितने टेस्ट हो रहे थे देश में और आज कितने टेस्ट हो रहे हैं देश में? आप चाहे दिल्ली को भी तोलेंगे तो खुद में भी फर्क पाएंगे कि उस दिन दिल्ली में कितने टेस्ट हो रहे थे और आज कितने टेस्ट हो रहे हैं। क्या देश उस 70 दिन में, उस 65 दिन में आगे नहीं बढ़ा है उससे? क्या यह कह के खारिज कर देना चाहिए कि केस 1.25 लाख हो गए इसलिए हम फेल हैं लॉकडाउन के 65 दिन में? नहीं नहीं देखिए, लॉकडाउन के शुरुआत में जितने टेस्टिंग हो रही थी उसमें तो आज बढ़ोतरी हुई है, लेकिन फिर यहां पे आपको दूसरे देशों से अगर आप तुलना करने जाएंगे तो अमेरिका प्रति 10 लाख 49,000 लोगों की टेस्टिंग कर रहा है और हम प्रति 10 लाख 2400 लोगों की टेस्टिंग कर रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर। तो हमारी टेस्टिंग निश्चित रूप से कम है अगर आप दूसरे देशों की तुलना करेंगे तो। केसेस बढ़ना कोई अच्छी बात नहीं है, अगर केसेस बढ़ेंगे तो लोगों का संजय जीवन भी जाएगा और हालांकि संजय जी मैं सवाल अब सुधांशु से करना चाहता हूं, अफरा तफरी और संकट का लेकिन अब क्योंकि आपने बात छेड़ी तो फिर मुझे एक सवाल आपसे और करना पड़ेगा, वो ये कि आप हिंदुस्तान की तुलना अमेरिका से तुरंत कर लेना चाहते हैं ये जानते हुए कि आपके उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना अंतर है, लेकिन दिल्ली की तुलना उत्तर प्रदेश से नहीं करना चाहते। तुरंत आपको याद आ जाता कि नहीं, उनकी आबादी बहुत ज्यादा है, उनका हिसाब किताब बहुत अलग है, हमारा हिसाब किताब बहुत अलग है। तो कोई एक फॉर्मूला, कोई एक तरीका, कोई एक एवरेज आउट करके सिस्टम तो निकालना पड़ेगा ना जिसके आधार पर तुलना होगी। ऐसे तो कल को कोई आपके राज्य से अपनी तुलना करेगा और वो बता देगा, फिर आप कहेंगे कि नहीं साहब देखिए इनका राज्य बड़ा है हमारा राज्य छोटा है, हमारी तुलना क्यों कर रहे हैं आप इनसे? छोटा जवाब, फिर सुधांशु के पास आ रहा हूं आपके सवाल पूछने के लिए। नहीं नहीं आप संजय जी, अच्छा देखिए ऐसा है कि ये मैं तुलना, इसमें मैंने टर्की का भी नाम लिया, इसमें मैंने रसिया का भी नाम लिया, इसमें और भी तमाम ऐसे देश हैं जो हमसे आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हैं, केसेस वहां आए और वहां पर उसके बाद केसेस नहीं बढ़े। आप अपने बगल के देशों में देख लीजिए, बांग्लादेश से तुलना कर लीजिए ना, ज्यादा दूर मत जाइए आप, बांग्लादेश से ही तुलना कर लीजिए, वहां तो लॉकडाउन भी नहीं किया उन्होंने, केसेस भी कम हैं और मृत्यु भी कम हुई है वहां लोगों की। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये कोई हम कंपटीशन करने की बात नहीं कर रहे हैं, एक आईना तो आपके सामने रखना होगा ना। जैसे आप टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, टेस्टिंग में अगर हम अमेरिका से तुलना कर रहे हैं तो टेस्टिंग कौन सी ऐसी एडवांस विधि है जो अमेरिका अपना सकता है और हिंदुस्तान नहीं अपना सकता? टेस्टिंग कौन सी ऐसी एडवांस विधि है जो रसिया अपना सकता है इंडिया नहीं अपना सकता, यूके अपना सकता है इंडिया नहीं अपना सकता? भाई टेस्टिंग की बात, टेस्टिंग कोई ऐसी अद्भुत चीज तो है नहीं कि जो भारत नहीं कर सकता और अमेरिका कर लिया तो उसके यहाँ बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है, हम इतने कमजोर हैं कि हम टेस्टिंग में भी कल इसी उनका सामना नहीं कर सकते, उनकी उनके साथ प्रतियोगिता नहीं कर सकते। तो मैंने टेस्टिंग के मामले में अगर कहा तो कोई टेस्टिंग इतनी बड़ी एडवांस चीज नहीं है और इतनी बड़ी तकनीकी रूप से उनकी उच्च कोटि की चीज नहीं है जिससे हम उनके साथ सामना नहीं कर सकते। ठीक है सर, कल इसी कार्यक्रम में राघव चड्ढा थे आम आदमी पार्टी के, उन्होंने कहा कि पर मिलियन एवरेज टेस्टिंग की बात होनी चाहिए, हमारे देश की आबादी 137 करोड़ है, दूसरे देश की आबादी जितनी हो उस हिसाब से उस टेस्टिंग के आंकड़े को देखा जाना चाहिए। बहरहाल इससे आगे बढ़ते हुए सुधांशु त्रिवेदी आपके पास आ रहा हूं, संजय जी ने दो टूक नहीं कहा कांग्रेस पार्टी के नेता की तरह कि लॉकडाउन फेल है या लॉकडाउन पास है, आप क्या कहते हैं इस पर फटाफट से, उसके बाद अगले सवाल। देखिए पहली बात जो संजय जी ने कही मैं उस पर ऐड करना चाहता हूं, संजय जी वाकई टेस्टिंग ये बहुत कठिन चीज थी, हम और शायद आप भी उस समय राज्यसभा में थे जब हर्षवर्धन जी ने इसका उत्तर दिया, जब यह महामारी शुरू हुई फरवरी के महीने में तो पूरे देश में इस तरह की टेस्टिंग करने की क्षमता वाली केवल एक लेबोरेटरी थी पुणे में, और जब उन्होंने हर्षवर्धन जी ने उत्तर दिया था उस समय तक 200 हो चुकी थी, आज सैकड़ों लैब्स हैं, प्राइवेट लैब भी काम कर रही हैं, तो टेस्टिंग करने की क्षमता सरकार ने इस दरमियान विकसित की। लॉकडाउन का जहां तक प्रश्न है, लॉकडाउन बहुत ही उपयुक्त और मोदी जी की दूरदर्शी नीति के अनुरूप लिया गया निर्णय था, इससे 4-5 फायदे हुए। पहला फायदा यह हुआ कि प्रारंभिक अवस्था में जो विस्फोट हो सकता था वह विस्फोट नहीं हो पाया, हो सकता हम 1.5 लाख की बजाय आज 20 लाख या 25 लाख के ऊपर हो गए। दूसरा ये अंतर रहा जो मैंने अभी बोला, हमारे पास उस समय टेस्टिंग लैब्स कम थी, इस दरमियान हमने भारी संख्या में टेस्टिंग लैब जुटा ली ताकि अब हम उसकी जांच कर सकें। तीसरा उस समय हमारे पास बड़े स्तर के उपकरण, वेंटिलेटर से लेके टेस्टिंग किट, सैनिटाइजर और मास्क की जो प्रचुर मात्रा में उपलब्धता थी वह हम सुनिश्चित करने में सफल रहे।
चौथा, लोगों को इस दरमियान यह विधिवत समझ में आया, क्योंकि अब जो कोरोना से लड़ाई सिर्फ मेडिकल यानी चिकित्सीय आधार पर नहीं है, इसके लिए हमें अपनी जीवन शैली में एक बदलाव करना पड़ेगा, मनोवैज्ञानिक आधार पर भी लड़ना पड़ेगा। तो लोगों को मनोविज्ञान में अच्छी ढंग से समझ में आ गया कि हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यह भी बात सही है कि आप परमानेंट परपिचुअल यानी निरंतर लॉकडाउन में नहीं रह सकते थे। अब जब हम बाहर आए तो हमारे पास बेहतर संसाधन है, बेहतर चिकित्सीय सुविधाएं हैं, बेहतर जांच की व्यवस्थाएं हैं, लोगों के अंदर बेहतर समझ है, तो हम इस प्रकार से अब आगे बढ़ सकते हैं। रही बात विश्व के अन्य देशों से तुलना में, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा आज चीन को एक बार अलग रख दें, चीन अलग परिस्थिति में है, अलग प्रकार से आरोपित है, तो आज हम दुनिया के सबसे बड़े देश हैं। और इतना ही नहीं राहुल जी, रोहित जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बात भले ही हमारे राहुल जी को ना समझ में आती हो, संजय जी तो समझदार व्यक्ति है, उनको तो समझ में आएगी, 2/3 जनसंख्या गांवों में रहती है, 30% जनसंख्या गरीबी की रेखा के नीचे इकलौते देश है इस समय, और जहां 27% लोग 2011 की जनगणना के अनुसार आज भी निरक्षर हैं, और एक मामले में हम अत्यंत विचित्र देश हैं, एकमात्र देश जहां सुरक्षा कर्मियों और चिकित्सा कर्मियों पर प्राण घातक हमले हुए, जिस कारण से सरकार को अध्यादेश लाना पड़ा, और उसके बाद मजहबी राजनीति भी हुई उसके ऊपर। तो इन सारी समस्याओं के बीच में से अगर हम देखें तो हम समझ सकते हैं भारत कितनी भिन्न और विपरीत परिस्थितियों में काम कर रहा है, और मोदी जी ने कितनी कुशलता के साथ इन सारी चीजों के बीच में से देश को निकालने का काम किया है। लॉकडाउन उस श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण चीज थी, और अंत में कहूंगा हमने कितने डेमोक्रेटिक तरीके से किया। याद करिए लॉकडाउन 1 से जब लॉकडाउन 2 हुआ है तो केंद्र सरकार के लगाने से पहले 4 राज्यों ने 2 दिन पहले बढ़ाने की घोषणा कर दी थी। 4 राज्य कौन थे? महाराष्ट्र, पंजाब, उड़ीसा और तेलंगाना, चारों विपक्षी राज्य थे, यानी हम पूरी उदारता और सामंजस्य के साथ चल रहे थे। विपक्ष के राज्यों को हमने मौका दिया, उन्होंने जो किया हमने उसके बाद उस चीज को किया।